कुल्लू में बेसहारा पशु लोगों के लिए परेशानियों का सबब बने हुए हैं। बेसहारा पशुओं के द्वारा किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। खेतों के चारों तरफ लगाई गई कटीली तारों की बाड़ और रात में जागने के बाद भी किसानों की फसल नहीं बच पा रही है, जिस कारण किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बद इंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। किसान गुरदयाल का कहना है कि बेसहारा पशु अगर रोज इसी प्रकार किसानों का नुकसान करेंगे तो किसान और बागवान अपनी खेती बाड़ी छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि वेटरनरी विभाग पशुओं का रिकॉर्ड अपने पास रखे, जन्म लेने के समय पशुओं का पंजीकरण करवाए और मृत्यु के पश्चात रजिस्ट्रेशन में इनका नाम हटाए। कार से हमारी एक ही मांग है, अगर आवारा पशु इसी तरह से रोज फसलों को नुकसान करेंगे तो किसान किसानी बागवानी छोड़ देगा। ये आवारा पशु, ये जो वेटरनरी डिपार्टमेंट है, इनके पास अपना ये पशुओं के बारे में रिकॉर्ड रखे, जो पशु जन्म लेते हैं और उनका पंजीकरण कराए, और जब इनकी मृत्यु होती तो इनका भी वहाँ से रजिस्ट्रेशन से नाम कटवा के। अभी तो ये लोगों के इतने निडर हो चुके हैं कि टैग वाले पशु भी आवारा घूम रहे हैं, जो कि पशुपालन विभाग के नोटिस में हैं। अगर सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती है? सरकार का ये काम सरकार कर सकती है, आम आदमी के ऊपर लगाम लगाने के लिए कैबिनेट से सख्त कानून बनाए। ये तो बेजुबान हैं बेचारे, कहीं दलील अपील नहीं कर सकते हैं, और सर्दी में इनके बुरे हाल होते हैं, लोगों की मार खा रहे हैं। तो सरकार से अपील है कि इसके ऊपर सख्त कानून बनाया जाए। एक तरफ से बेरोजगारी है, लोग बागवानी कर रहे हैं, किसानी कर रहे हैं, उनकी फसल ऐसी खराब हो रही है, तो उनका जो है जीना हराम है। तो सरकार से मांग है कि ये जो बेजुबान बेसहारा हैं, आज से पहले भी लोग इस तरह से, हमने अपने 10-15 साल पहले खास करके अपने कुल्लू में 20 साल से देख रहे हैं कि इस तरह की ये आवारा पशुओं की दुर्दशा है। आज से पहले लोग नहीं छोड़ते थे, लोगों में इंसानियत थी। जब इंसानियत खत्म हो गई तो सरकार को इसके ऊपर सख्त कानून बनाना चाहिए। वहीं किसान संजीव कुमार ने बताया कि सबसे बड़ी समस्या है कि जब तक किसान खुद जागरूक नहीं होंगे और सुधार नहीं करेंगे, तब तक समस्या से निजात नहीं पा सकते। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी समस्या जो नगद फसल है, लहसुन, जापानी के पेड़, सेब के पेड़, बेसहारा पशु, इन पेड़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब तक हमारे जो है किसान भाई खुद जागरूक नहीं होंगे या खुद सुधार नहीं करेंगे, तब तक इस समस्या का निजात नहीं हो सकता है। ऐसा तो है नहीं कि हमारे पशु दूसरे राज्य से आ रहे हैं या दूसरे प्रदेशों से आ रहे हैं, ये हमारे या हम और आपके द्वारा छोड़े हुए पशु ही है। जो आजकल जैसे आज यहाँ पर जो एक रिवाज चला हुआ है लघाटी में कि जो गर्मियों में है पशुओं को जो है चराने के लिए ऊपर जंगलों में छोड़ा जाता है जी, कुटन थोनमल उठ जाइए, फिर सर्दियों में उनको लाते हैं नहीं घर, तो सर्दियों में तो वो बर्फ में वो बैठ नहीं सकते ठंड में, तो फिर वो इधर आ जाते हैं मतलब गर्म इलाके में, तो फिर यहाँ पर काफ़ी नुकसान कर रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये आ रही कि जो हमारी यहाँ पर नकद कैश क्रॉप्स है, जो हमारा लहसुन है, जो हमारे जापानी के पेड़ हैं, सेब के पेड़ हैं, उनको मतलब सर्दियों में यहाँ पर हरा चारा है नहीं, तो जिसके कारण वो हमारे जो पेड़ों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। हमारी तो यही सरकार से भी यही आशा है, प्रशासन से भी, कि जो गौशालाएं बनाई हुई है, सुनने में ऐसा आ रहा है कि जो गौशालाएं हैं आजकल खाली पड़ी हुई है, तो हम चाहते हैं प्रशासन की इसके ऊपर थोड़ी कार्रवाई करे,
थोड़ी इसके ऊपर एक्शन ले कि गौशालाएं जब उनको इतना फंडिंग दी जाती है, जब वो गौशालाएं चला रहे हैं तो वहां पर पशु पशु तो वहां पर है ही नहीं, तो आवारा पशु तो लोगों के खेतों में घूम रहे हैं, तो क्यों नहीं है गौशाला में पशु, आवारा पशु सड़कों और खेतों में क्यों घूम रहे हैं? तो प्रशासन से यही मांग रहेगी कि आप जो जिन्होंने गौशालाएं चलाई हुई है उन पर एक्शन ले, वहां पर जाके देखें कि क्या सच में ही गौशाला के नाम पर ऐसे ही फंड खाने का काम तो नहीं हो रहा है, या सच में ही गौशाला मतलब गौ ये वहां पर आवारा पशु है। अगर वहां पर आवारा पशु है तो फिर सड़कों में कहां से घूम रहे हैं? अगर वो खाली है तो उन पर एक्शन लिया जाए, इतना फंड जो दे रही है गवर्नमेंट उनके लिए, उनको चलाने के लिए जो उनको सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट, तो वो फंड पशुओं को चलाने के लिए या उनके उनके अपना पेट भरने के लिए दे रही है सरकार, तो इसके ऊपर एक्शन ले। और जो हमारे किसान है जिन्होंने पशु पाले हुए हैं वो भी थोड़ा जागरूक हो जाएं, सर्दियों में जो गर्मियों में चराने छोड़ते हैं तो सर्दियों में उन पशुओं को अपने घर में लाएं, जिससे कि भाई लोगों का नुकसान ना हो। साथ ही किसान हुकुम चंद ने बताया कि जिन्होंने पशु पाल रखे हैं वो अपने पशुओं को संभाल के रखें। उनका कहना है कि लोगों ने मेहनत करके खेतों में सब्जियां उगाई हैं, ऐसे में बेसहारा पशु एक रात में सारी फसल को चट कर जा रही हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं सबको नमस्कार करता हूँ जिनके ये पशु पाले हुए हैं, प्लीज करके उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने पशु को संभाल कर रखें, ये तो पालो मत, पालना है तो ढंग से पालो, क्योंकि लोगों का इतना नुकसान हुआ है, लोगों ने इतना कष्ट करके लहसुन लगाया है, बगीचे लगाए हुए हैं, किसी ने अपने कुछ और चीज बिजी हुई है, पूरा खत्म हो रहा है, एक रात में पूरा का पूरा खेत खत्म हो रहा है। इसलिए किसानों का तो इतना नुकसान है कि एक तो बड़ी मुश्किल से वो तैयार करती है फसल तैयार करता है और इसके बाद एक रात में पूरा खत्म हो जाता है। इसलिए मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने घर से पशु को मत छोड़े। दूसरा मैं पंचायत के प्रतिनिधियों को भी बताता हूँ कि पंचायत ज़्यादा नहीं है तो बेली के हिसाब से एक पूरी पंचायत मिलकर एक गौ सदन बना, बड़ा गौ सदन बनाए, वहाँ पर कम से कम 10 बीघे की जमीन हो, पानी हो, प्लान हो, ताकि वो उधर गौ सदन बने, जिससे लोग किसानों का ये फसल खराब होने से बच जाए। और दूसरा लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, मत छोड़ो इनको, यदि नहीं पाले जाते तो रखो मत। लोग आजकल का जमाने में लोग ऐसे हो गए हैं, सेल्फिश हो गए हैं ज़्यादा, क्योंकि गाय से दूध लेते हैं, जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनको छोड़ देते हैं। मत करो, कल दिन इंसान की भी ऐसी बारी आनी है, इसलिए रिक्वेस्ट करता हूँ कि मत करो ऐसा। जब गौ माता मानते हैं तो गौ माता को लास्ट तक रखो, अपने साथ ही रखो। इसलिए सरकार से भी रिक्वेस्ट करता हूँ ताकि वो सरकार इस चीज के बारे में प्रधानों के साथ प्रतिनिधियों जो प्रतिनिधि हैं अपने खंड विकास के क्या नाम के सब मिलकर इसमें बताया कि कोई गौ साधन बनाए जहाँ पर ये पशुओं का इधर उधर घूमने से बच जाए और इनकी भी लाइफ बन जाए और किसानों के नुकसान से भी बचा जाए, किसी का नुकसान ना हो। पंजाब केसरी के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।